हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मिला। यस, आपने मेरे पीछे वीडियोस देखे ही होंगे। ओके, सो आज का वीडियो जो है वो एकदम स्पेशल बनने वाला है। यस, और आज का वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो इस साल अपना 12th साइंस कंप्लीट करने वाले है। यस, और अभी JEE की जो पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी 12th साइंस कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन होता है कि हम ऐसा कौन सा करियर फील्ड चूज करें, ओके, जिसमें हमको हाई सैलरी जॉब मिल सके या हमारा जो करियर है हम अच्छे से ग्रो कर सके। सो आज का वीडियो जो है इसी पॉइंट पे डिपेंड है। मैं ऐसी 5 करियर फील्ड के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें आप अपना फ्यूचर जो एकदम ब्राइट बना सकते हो। ओके, सो ओनली वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टार्ट टू एंड तक एकदम ध्यान से देखिए। ओके, आपको मैं जो बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए और आप उसके बारे में, अपने करियर के बारे में आप डिसीजन ले सकते हो। तो आइए चलिए बात करते हैं ऐसे 5 करियर फील्ड्स जिसमें आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। ओके, सो फर्स्ट करियर ऑप्शन इज इंजीनियरिंग। यस, दिस इज द बेसिक करियर ऑप्शन, इंजीनियरिंग। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 12th साइंस के बाद में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल माहौल ऐसा है, क्योंकि आई एम द एक्सपीरियंस पर्सन इन दैट फील्ड, सो मैं आपको बताता हूँ, माहौल ऐसा है कि इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपका करियर बनाना होगा आपको, तो एकदम सोच समझ के आपको अपने कदम उठाने पड़ेंगे। यस, ये आपको मतलब एकदम आपको सोच के इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपका करियर एकदम ब्राइट बनाना है तो आपको क्या करना है कि अभी इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है कि अगर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, समझो इंजीनियरिंग में अगर आपको IITs में एडमिशन लेना है, ओके, सो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो आपको IIT में एडमिशन लेने के लिए स्टडी करनी होगी या कोशिशें करनी होगी। यस, बिकॉज IIT में जाने के बाद में आपका जो करियर है, 4 साल का करियर खत्म होने के बाद में जो आपका मेन फ्यूचर जो स्टार्ट होगा वो एकदम ब्राइट होगा। यस, और फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इंजीनियरिंग में अगर आपको IIT में एडमिशन लेना तो 12th साइंस PCM ग्रुप इज कंपल्सरी। यस, PCM ग्रुप को ऑप्शन नहीं है दोस्तों, मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आपको दैट इज देयर इज नो एनी ऑप्शंस टू मैथमेटिक्स। ओके, मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि मैथमेटिक्स तो आपको लेना ही है। ओके, AICTE कितने ही रूल बदल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी, इतना ध्यान रखना दोस्तों। ओके, सो आपको 12th साइंस PCM पास करना होगा, दैट इज द वन क्राइटेरिया, एंड अनदर वन इज आपको JEE भी अच्छे रैंक से पास करनी होगी अगर आप IIT में एडमिशन लेना है तो। ओके, AICTE भी है, एंट्रेंस एग्जाम्स है बहुत सारे, उनमें अच्छे रैंक आपको लाने होंगे। तो फर्स्ट इज आपको IIT के लिए कोशिश करनी है अगर आपको इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है तो IITs में अगर आपको अच्छी रैंक, समझो आपको AICTE वगैरह या JEE में आपको अच्छी रैंक मिल जाती है, अगर IIT में एडमिशन हो जाता है, कोई भी इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच ले लो, मैकेनिकल ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, कोई भी ब्रांच ले लो, आप IIT में एक बार अगर BTech आपका हो जाता है तो आपका फ्यूचर जो है ना एकदम से आप मतलब सोच नहीं सकते कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो। ओके, और सैलरी की बात करें IITs में अगर आप BTech कर लिया तो सैलरी आपको मिनिमम, तो एवरेज पैकेज आपको बता दो, एवरेज 12-15 lakhs का पैकेज मिलता है। यस, IIT वालों को 12-15 lakhs, दैट इज स्टार्टिंग सैलरी। ओके, वो भी लिमिटलेस है। ओके, कुछ बच्चों को तो आपने न्यूज में पढ़ाया होगा करोड़ में पैकेज मिलता है। यस, सो दैट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन गाइस। सो एकदम मेहनत करिए, स्टडी करिए। ओके, IIT में एडमिशन होना ही चाहिए, अच्छी रैंक लाइए। ओके, JEE में IIT में एडमिशन है। इन केस अगर IIT में आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो डोंट वरी, IIT के बाद में आपको NIT भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, आप NIT में आपका एडमिशन के लिए आप ट्राई कर सकते हो इंजीनियरिंग, अगर आप NIT से इंजीनियरिंग करते हो, सो दैट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा। ओके, एज कंपेयर टू IIT थोड़ा सा कम हो सकता है इन केस, लेकिन NIT इज द आल्सो बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो ज्यादा सोचिए मत, अगर IIT में नहीं मिलता है तो आप NIT के लिए ट्राई कर लीजिए। ओके, तो IIT NIT आज द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर सोचो, अगर आपको सर आप बोलेंगे सर अभी IIT में भी नहीं हो रहा है, NIT भी नहीं हुआ, इन केस समझो, ओके, सो अगेन डोंट वरी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, IIT NIT के बाद में भी अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। यस, आप अपना जो करियर ऑटोनॉमस कॉलेज में बना सकते हो, ऑटोनॉमस ऐसी बात, इंडिया में बहुत सारी ऑटोनॉमस कॉलेजेस है जिनका सिलेबस जो है वो सिर्फ कॉलेज ही डिसाइड करते हो, उनको स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तरफ से उनका ओहदा होता है, मतलब स्पेशल कॉलेजेस होती है ऑटोनॉमस कॉलेज, आप ज्यादा सर्च कर सकते हो, आप
ऑटोनॉमस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर आईआईटी एंड एनआईटी। सो ऑटोनॉमस कॉलेज बेस्ट ऑप्शन, आप 4 साल का डिग्री का कोर्स कर सकते हो, बीई बीटेक जो भी है ऑटोनॉमस कॉलेज में से बीटेक। ओके, तो यहाँ पे आप मैकेनिकल फील्ड ले लो, कंप्यूटर साइंस फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिकल फील्ड ले लो, ओके, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना इंजीनियरिंग फील्ड का करियर बना सकते हो। और ऑटोनॉमस में अगर आप एक बार बीटेक बीई बीटेक कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो पैकेज है वो भी आपको एवरेज पैकेज आपको 6 to 8 lakhs का पैकेज मिल जाएगा। यस, एज कम्पेयर टू आई आई टी एन आई टी बहुत कम है, लेकिन दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। ओके, ऑटोनॉमस कॉलेज इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, सो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। ओके, ये स्टार्टिंग पैकेज बोल रहा हूँ, 6 to 8 lakhs स्टार्टिंग पैकेज। फिर आगे आपका जैसा एक्सपीरियंस होता है, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, यू विल ग्रो। ओके, आपका पैकेज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यस, आपको बस स्टडी करना है। ओके, 12th पीसी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मिनिमम 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड, आपको ये तो पता ही होगा। और जेडब्ल्यू एआई ट्रिपल ई जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं पास, और आपका करियर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आपको बनाना है। ओके, और अगर इनकेस अगर ये 3 colleges में भी नहीं होता है तो आपको अच्छी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। सो ये हो गया इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट करियर ऑप्शन जिसमें आप हाई सैलरी पा सकते हो। यस, इंजीनियरिंग फील्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग गुड सैलरी, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। ओके, आप कौन सी कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो या कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो, सो दैट डिपेंड्स ऑन इट। सो आप इंजीनियरिंग के बारे में सोच सकते हो। ओके, सो हमने बात कर ली अभी इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में। सेकंड ऑप्शन इज प्लास्टिक इंजीनियरिंग। यस, यू कैन मेक योर करियर इन द प्लास्टिक इंजीनियरिंग। आप तो बोलोगे सर इंजीनियरिंग तो आपने बता दिया, लेकिन सी द प्लास्टिक इंजीनियरिंग ऑल्सो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड, बट ये आप थोड़ा सा अलग लेवल में सोच सकते हो प्लास्टिक इंजीनियरिंग को। ओके, इंजीनियरिंग फील्ड में, सो दिस इज वेरी बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप बेसिक जो फील्ड्स है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इसमें अगर नहीं जाना चाहते हो पर आपका इंटरेस्ट अलग फील्ड में है, तो आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हो। यस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने बताओ हम अपने जिंदगी में कितने सारे प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं। ओके, तो अगर उन प्लास्टिक की चीजों के बारे में आप सीखना चाहते हो, ओके, वो कैसे बनती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब, ये सारी सब बातें हैं, आप ये सब बातें प्लास्टिक इंजीनियरिंग में पढ़ सकते हो। ओके, सो अगर आप सोचोगे, आप पूछोगे सर ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग हमें कहां से करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ओके, हमको क्या करना पड़ेगा, 12 BCM करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। यस, सो 12 BCM इज कंपलसरी। ओके, उसका ऑप्शन ये है, बट इसको 12 BCM इज कंपलसरी। एंड सेकंड वन, आपको प्लास्टिक इंजीनियरिंग जो करनी है वो आपको सीपेट कॉलेजेस में से ही करनी है। ओके, सीपेट मीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग। आपको इंडिया में ऐसी बहुत सी सीपेट कॉलेजेस है। ओके, सीपेट लखनऊ है, सीपेट अहमदाबाद है, सीपेट भोपाल है, सीपेट कर्नाटका है। आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर सकते हो गूगल में कि कहां कहां पे सीपेट कॉलेजेस है। ओके, प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। सो प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आप सिंपली पीसीएम में 12 साल में आपको पीसीएम करना है, 50% मार्क्स कंपलसरी, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सीपेट में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों एक क्राइटेरिया आपको देना होगा कि सीपेट एक्चुअली कंडक्टिंग जेडब्ल्यू एग्जाम, उनकी सेपरेट सीपेट जेडब्ल्यू एग्जाम होती है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो आपको 12 PCM पास करने के बाद में उनकी सीपेट जेडब्ल्यू आपको क्रैक करनी होगी, दैट इज द, आपको ये तो करना होगा। सीपेट जेडब्ल्यू इज कंपलसरी, उनके एंट्रेंस एग्जाम है वो आप पास कर लो, उसके बाद में आप सीपेट में एडमिशन लेके प्लास्टिक इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है दोस्तों। ओके, सो बी बीटेक इन द प्लास्टिक इंजीनियरिंग आप वहां से कर सकते हो। ओके, आप थोड़ा सा अच्छे से सर्च कर लो। ओके, आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, इंडिया में कहां कहां पे सीपेट कॉलेजेस है अगर आप सर्च करो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दैट इज अगेन डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट होगा कुछ अलग फील्ड में हमारा करियर बनाए, अगर आप सोच रहे होंगे तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन। ओके, उसके बारे में सोचना जरूर। और आप पूछोगे सर प्लास्टिक इंजीनियरिंग करने के बाद में क्या कैसा है, मतलब करियर हम कैसा बना सकते हैं। यस, प्लास्टिक इंजीनियरिंग अगर 4 साल का बीई बीटेक कंप्लीट कर लेते हो प्लास्टिक इंजीनियरिंग में से, तो सैलरी की बात करें या जॉब की बात करें, आपको ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल, अभी ये सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करती है। यस, बच्चों को 4 साल होने के बाद में प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती है, अलग अलग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो वहां पे आती है और प्लेसमेंट करके लेके जाती है बच्चों को। ओके, सो पैकेज की अगर बात करें तो यहाँ पे भी पैकेज आपको 6 to 8 lakhs का मिनिमम पैकेज आपको मिल सकता है। सो वो ज्यादा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक इंजीनियरिंग बहुत लिमिटेड ब्रांच है, बहुत लिमिटेड बच्चे ऐसे हैं कि जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर इंजीनियरिंग करना है तो कंप्यूटर मैकेनिक यही फील्ड के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आप कुछ हटके करना चाहते हो तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग इज बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो इसके बारे में सोचना, पैकेज आपका सैलरी तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसे प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत कंपनीज को बहुत कम मिलते हैं। ओके, दैट इज द रियलिटी, क्योंकि सारे बच्चे तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग में नहीं जाते ना, तो
उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मार्केट में दोस्तों, ये थोड़ा उसका दिमाग में देख लो। सो प्लास्टिक इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन, आप इसके बारे में सोच सकते हो और आपका अच्छा पैकेज मिल जाएगा और आपका करियर एकदम ग्रो भी कर जाएगा। ओके, सो द सेकंड ऑप्शन यू कैन थिंक अबाउट इट, प्लास्टिक इंजीनियरिंग। ओके, सो हम बात करते हैं थर्ड फील्ड के बारे में। ओके सो थर्ड करियर ऑप्शन इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन। यस, इंजीनियरिंग हो गया, प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो गया और इंडस्ट्रियल डिजाइन का जो करियर है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो इंडस्ट्रियल डिजाइन। यस, आप सोचोगे सर इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब क्या है। सो इंडस्ट्रियल डिजाइन बेसिकली डिपेंड्स बिलोंग्स टू मैकेनिकल फील्ड। ओके, सो इसमें एक्चुअली बहुत सारे ब्रांचेस है लेकिन मैं मैकेनिकल फील्ड के बारे में बात करूंगा। ओके, सो अभी जो इंडस्ट्रीज में जो भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ओके, उनको मार्केट में लाने से पहले डिजाइन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले डिजाइन किया जाता है। ओके, दैट इज द प्रोसेस। पहले डिजाइन होगा कोई भी प्रोडक्ट, पहले डिजाइन होगा उसके बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके बाद में उसका सेल्स होगा। सो दैट इज द प्रोसेस इन द मार्केट। सो अगर आपको इंटरेस्ट है अलग अलग चीजें डिजाइन करने में, इंटरेस्ट अलग अलग प्रोडक्ट्स डिजाइन करने में इंटरेस्ट होगा, अगर आप करना चाहते हो, सो इंडस्ट्रियल डिजाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, आप इसके बारे में सोच सकते हो। ओके, अभी क्या है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए भी अगर आप अच्छे कॉलेजेस में से इंडस्ट्रियल डिजाइन का कोर्स करते हो, यानी कि IITs भी ये डिजाइन का कोर्स प्रोवाइड करती है। IIT पवई हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर के नाम से वो जाना जाता है, IIT पवई। ओके, बाद में IIT गुवाहाटी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल डिजाइन। ओके, देन IIT दिल्ली इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ कोर्सेस। सो आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। IITs भी इंडस्ट्रियल डिजाइन के कोर्सेस कैसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम, मेटल भी सेम वगैरह, और उनके कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी वो आपको क्लियर करनी होगी। ओके, सो दैट इज IIT ऑप्शन। देन सेकंड, अगर IIT में अगर नहीं होता है तो NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, NID जो उनके बोलते हैं, तो NID अहमदाबाद, NID बैंगलोर, दीज आर द टू ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंडस्ट्रियल डिजाइन कोर्सेस। ओके, तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हो, इसमें आप इन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, IIT हो गया, NID हो गया। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगर इनकेस आपका IIT में भी नहीं होता है, ओके, और आपका NID में भी नहीं होता है इनकेस, तो आगे हम क्या करेंगे, सर बोला आप क्या करेंगे। सो एक बेसिक फील्ड, अगर आप डिजाइन में जाना चाहते हो तो बेसिक कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज या कोई भी इंजीनियर अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक इन मैकेनिकल कर लीजिए, बी इन मैकेनिकल कर लीजिए। ओके, सो अगर आप मैकेनिकल फील्ड में बी बीटेक करते हो, चार, इट इज अगेन फोर ईयर ग्रेजुएशन कोर्स इंजीनियरिंग का, अपने बी बीटेक मैकेनिकल कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि 6 मंथ या 1 ईयर का कोई भी डिजाइन का कोर्स कर लेना है। यस, ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी इंडिया में। ओके, महाराष्ट्र में हो गए, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो भी बात कर ले वो डिजाइन की कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैलकम इंस्टीट्यूट वगैरह है। ओके, सो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ज्यादा है, 6 मंथ या 1 ईयर का कोर्स होता है आपका, 4 साल का ग्रेजुएशन और 1 ईयर का वो कोर्स। सो ऐसे 5 ईयर्स में आप अपना करियर वो कोर्सेस करने के बाद में आप अलग अलग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में डिजाइन फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसमें आपको क्या सीखना है, अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। ओके, जैसे सॉलिडवर्क्स हो गया। ओके, आपको 3D सॉफ्टवेयर के बारे में अगर पता होगा तो सॉलिडवर्क्स, सॉलिडेज, कटिया वगैरह हो गया जो ऑटोमोबाइल कंपनीज में यूज होते हैं। ओके, सॉलिड एज हो गया। ओके, ऑटोकैड हो गया। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर्स आपको इनमें सीखने हैं। ओके, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स में आपको डिजाइन करने होंगे, 3D में डिजाइन करने होंगे। इमेजिनेशन, दिस फील्ड इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन। अगर आपके पास में इमेजिनेशन पावर है तो आप डिजाइन में अपना करियर बना सकते हो। ओके, सो द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग गुड प्लेसमेंट्स। आप थोड़ा सा ज्यादा सर्च कर लेना उसमें। ओके, कि कौन कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है बीटेक मैकेनिकल फील्ड होने के बाद में जो हमको कैडकैम में हो गया डिजाइन में अच्छे प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपना करियर जो है वो डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन फील्ड में आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। ओके, और इसमें अगर पैकेज की बात करेंगे, सर पैकेज कितना मिलता है, आप तो पैकेज के बारे में पता नहीं हो, तो पैकेज की बात करें, अगर आप IIT को वैसे करते हो इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो दैट इज IIT इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, आपको तो पता है वो, तो पैकेज फिर लिमिटलेस है उसमें, 10 लाख, 15 लाख, आप जो भी, मतलब डिपेंड्स ऑन कंपनी। ओके, कंपनी जितनी बड़ी उतना पैकेज आपको मिलेगा। ओके, और IIT की बात हो गई, और दिस वन NIITs में भी आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है दोस्तों। ओके, सो पैकेज के बारे में डोंट वरी, दिस इज ऑल्सो बेस्ट करियर ऑप्शन। और अगर आप बीई बीटेक मैकेनिकल करते हो और उसके बाद में अगर आप डिजाइन की फील्ड में कोर्सेस करके आगे बढ़ते हो, तो थोड़ा सा हो सके एज कम्पेयर टू IIITs एंड NIITs आपको थोड़ा सा इनकम कम पैकेज मिल जाए। ओके, सो कम भी लगे 5 to 6 lakhs, समझो एवरेज अगर पकड़ेंगे तो 6 lakhs to 8 lakhs भी आप पकड़ सकते हो, तो इतना आप स्टार्टिंग में आपको पैकेज मिल सकता है डिजाइन में, क्योंकि डिजाइन में भी बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो अपना करियर बनाते हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग करियर फील्ड। ओके, सो आप पैकेज का टेंशन मत लीजिए, अगर एक बार आप उस फील्ड में घुस गए ना
तो आपका जैसे भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सो टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 1 साल 2 साल 3 साल, मैक्सिमम आपको थोड़ा सा 2 साल के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन 2 साल के बाद में अगर आप इस फील्ड में एकदम पावरफुल हो गए ना, तो उसके बाद में आपको जो चाहिए वो पैकेज मिल सकता है दोस्तों। यस, दैट इज द मींस आप सोच नहीं सकते, आप अच्छा अच्छा पैकेज आप इस फील्ड में पा सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इंडस्ट्रियल डिजाइन। सो हमने यहाँ पे 3 करियर फील्ड के बारे में बात कर ली। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर्थ फील्ड जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। सो फोर्थ करियर फील्ड जो है, जो बेस्ट करियर ऑप्शन है आपके लिए, वो है एविएशन फील्ड, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यस, अगर आपको कुछ आप बड़ी उड़ान भरना चाहते हो, आपको एरोप्लेन में ट्रैवल करना चाहते हो, आपका लाइफ उसमें बनाना चाहते हो, ओके, सो एविएशन और एरोस्पेस, या आप एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो दोस्तों, सो दैट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। यस, सो इसमें भी आपको क्या करना है कि आपका पीसीएम ग्रुप इज कंपल्सरी, अगेन दैट इज कंपल्सरी, मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी। सो पीसीएम ग्रुप में आपको 50% मार्क्स चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको दोस्तों पीसीएम ग्रुप के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, आप इसमें क्या क्या कोर्सेस आप कर सकते हो, बेसिक कोर्स जो है एरोस्पेस फील्ड में, वो दैट इज द बीएससी इन द एविएशन। ओके, ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस इंडिया में जो बीएससी इन एविएशन का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ओनली 3 इयर्स ऑफ कोर्स। ओके, आप 3 साल में बीएससी इन एविएशन कर सकते हो, उसके बाद में आपका क्या होगा, आप कहां पे करियर बना सकते हो। सो बीएससी इन एविएशन करने के बाद में आप एज एयरलाइन कैप्टन करके आपका करियर आगे बढ़ा सकते हो, बाद में आप एयरलाइन पायलट भी आप बन सकते हो। यस दोस्तों, आपको अगर पायलट बनने का आपका सपना होगा, ओके, इफ यू हैव द ड्रीम टू बिकम अ पायलट, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, आप एयरलाइन पायलट बन सकते हो, और बाद में एयरपोर्ट टर्मिनल्स पे आपको किसी डिपार्टमेंट में आपको समझो जॉब मिल सकता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स हो गया, उनके बहुत सारे एयरपोर्ट टर्मिनल्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पे आपको जॉब मिल सकता है। और दोस्तों इसमें सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, अच्छी खासी मिल जाती है, आप सर्च कर सकते हो। इसमें मिनिमम आपको, अगर आपका बीएससी भी है तो आपका 4 to 5 लाख का पैकेज आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, स्टार्टिंग फॉर 1 ईयर 4 to 5 लाख, उसके बाद में वो तो बढ़ता जाता है। ओके, आपका जैसे जैसे प्रमोशन होगा, जैसे डिपार्टमेंट में आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका पैकेज भी बढ़ते जाएगा, दैट इज ऑल्सो लिमिटलेस। ओके, सो आपका ये हो गया 3 साल का कोर्स, उसके बाद में जो है आप बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, या बीटेक इंजीनियरिंग इन द एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस फील्ड। ओके, सो हमारी इंडिया में आपको कॉलेजेस, अच्छी खासी कॉलेजेस मिल जाएंगी जो ये 4 साल का बीटेक कोर्स प्रोवाइड करती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ओके, तो आप उसके लिए सर्च कर सकते हो और इस फील्ड के बारे में सोच सकते हो। और अगर आपके अगर आप बीटेक कर लेते हो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो आप तो मतलब उस फील्ड में, एविएशन फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हो दोस्तों, बहुत आगे तक। पायलट तो आप बन ही जाओगे, ओके, उसके बाद में आपको एविएशन फील्ड के आप मास्टर हो जाओगे दोस्तों। यस, फिर उसके बाद में आप मास्टर्स भी कर सकते हो, बीटेक के बाद में मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा एविएशन में, तो वो कर सकते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए दोस्तों। ओके, फाइनली दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, तो ही उस फील्ड में फील्ड के बारे में सोचना। ओके, आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी दूसरे चीज में, आपका इंटरेस्ट हो तो उस फील्ड में आप ट्राई करो। ओके, सो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ओके, सो एविएशन फील्ड में और एक ब्रांच है। ओके दोस्तों, ये तो हो गया एविएशन और बीएससी वगैरह, डिप्लोमा जो उनके प्रोवाइड करते हो, डिप्लोमा वगैरह भाई है तो आप करना चाहें। ओके, इसके बाद में है एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। यस, एविएशन फील्ड में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस दोस्तों एसी फील्ड है। आज की सिचुएशन है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फील्ड ऐसी है दोस्तों की जिसमें आप बहुत ग्रोथ पा सकते हो। यस, बहुत ग्रोथ पा सकते हो, और ये टोटली मतलब आपको हाई सैलरी मिल सकती है इसमें। ओके, हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के बारे में। ओके दोस्तों, सो एविएशन फील्ड में हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे। ओके, सो व्हाट इज द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फील्ड। अगर आपका इंटरेस्ट होगा बड़े बड़े एरोप्लेन्स का मेंटेनेंस करने की, आपके अगर आपको उस फील्ड में अगर इंटरेस्ट होगा, ओके, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में आपको उसके बारे में सिखाया जाता है। ओके, एरोप्लेन्स का मेंटेनेंस कैसे करना है, हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस कैसे करना है, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कैसे करना है। ओके, सो क्योंकि कोई भी एरोप्लेन पहले उड़ान भरने से पहले उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। सो अगर आप उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, सो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आप सोचोगे कि ये कितने साल का कोर्स है, सो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इज द 4 ईयर कोर्स। यस, 2+2 क्या है एक्चुअली, 2 साल का आपका एकेडमिक करियर, एकेडमिक आपको सिखाया जाएगा। ओके, पेपर्स वगैरह की थियरी जो है तो है, एग्जाम्स वगैरह हो गया आपके 2 साल में, और 2 साल का एकेडमिक प्रोग्राम का खत्म होने के बाद में 2 साल का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा दोस्तों। यस, आपको किसी एविएशन फील्ड में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 2 साल के लिए। ओके, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। ओके, सो 2+2 हो गया 4 ईयर्स। ओके, सो 4 साल का आपका ये कंप्लीट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का कोर्स अगर हो जाता है, तो आप 4 साल के बाद में आप किसी एविएशन फील्ड में आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगी। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि
इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ओके? सो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप करियर बनना चाहते हो, तो आपको 12 पीसीएम इज कंपलसरी दोस्तों। यस, मैथमेटिक्स इज कंपलसरी अगेन, क्योंकि एवरी टेक्निकल फील्ड हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स, ओके? आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। आपको पहले बता दिया हूं, हर एक वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि 12 पीसीएम इज कंपलसरी, ओके? चाहे कितने भी रूल बदल जाए, कुछ भी हो जाए, 12 पीसीएम आपको भूलना है, मैथमेटिक्स को भूलना नहीं, ओके? सो 12 पीसीएम इज कंपलसरी। और उसके बाद में सेकंड जो है आपको एएमसीटी, यस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जो कॉलेजेस है वो उनकी सीटीज लेते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, वो आपको क्रैक करनी होगी दोस्तों। वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, आप थोड़ा सा स्टडी कर लोगे तो एएमसीटी में क्रैक कर सकते हो आराम से। सो आपको ये क्राइटेरिया आपको होना चाहिए, 12 पीसीएम प्लस एएमसीटी आपको क्रैक करनी होगी, उसके बाद में आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में अपना एडमिशन ले सकते हो। तो आप बात करो सर, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हो इस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फील्ड में कोर्स प्रोवाइड करती है। सो अगर बात करेंगे हम, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट है, चेन्नई में है, ओके? वहां पे आप थोड़ा सर्च कर सकते हो, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, इंदिरा इंस्टीट्यूट पुणे में है, महाराष्ट्र में, ओके? वहां पे भी वो भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का 4 साल का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ओके? तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। देन हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इन द औरंगाबाद, अगेन इन द महाराष्ट्र, यू कैन सर्च फॉर दैट इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इन द औरंगाबाद। देन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट होगा हैदराबाद में। सो ये सारी अच्छी अच्छी कॉलेज है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में देखो दोस्तों आपको बहुत सी कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ऐसे गिनी चुनी कॉलेजेस है जो ये कोर्सेस प्रोवाइड करती है, ओके? सो ये थोड़ी सी हटके जो फील्ड्स है, ओके? जो बेसिक इंजीनियरिंग से छोड़ के जो दूसरे से सारे कोर्सेस है, मैंने बात की प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो आपको इनको कॉलेजेस भी थोड़े से लिमिटेड ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, तो लिमिटेड कॉलेजेस से आपको ये सारे कोर्सेस करने होंगे। तो ये बात हो गई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का कोर्स, इन सारे कॉलेज में आप ये कोर्स कर सकते हो। हाँ, अगर आप 4 साल का कोर्स हो गया तो आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, किसी आपको एयर एविएशन फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगी, और 1 ईयर के लिए आपको 25,000 to 30,000 का स्टाइपेंड मिलता है दोस्तों। यस, दैट इज वेरी मींस गुड सैलरी, स्टार्टिंग इज अ गुड सैलरी, 30,000 का आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, और 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद में आप अगर 1 ईयर में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अच्छे से सीख लेते हो, तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद में आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का लाइसेंस मिल जाता है दोस्तों। अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस अगर आपको मिल गया, तो दोस्तों सैलरी की तो बात आप छोड़ दो, मतलब मिनिमम आपको 40 to 50 lakhs का पर एनम का पैकेज मिलता है। यस, दैट इज वेरी वेरी गुड सैलरी, आप मतलब 2 से 3 साल में आप करोड़ में पहुंच सकते हो दोस्तों, ओके? सो दिस इज वेरी हाई सैलरी जॉब, ओके? सो इसमें आपको कंटिन्यूअसली, ये फील्ड ऐसी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इसमें आपको कंटिन्यूअसली सारी चीजों का अपडेट रखना पड़ता है, कंटिन्यूअस ये लर्निंग फील्ड है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, ओके? सो दैट इज द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फील्ड, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, एरोप्लेन्स की, एविएशन की टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो उन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखना होगा, ओके? सो ये दैट इज ऑल्सो गुड करियर ऑप्शन अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। हाँ, सो घूम फिर के बाद सारी इंटरेस्ट में आती है दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो ही उस करियर उस फील्ड के लिए सोचना, नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई मेरा दोस्त उस फील्ड में जा रहा है तो चलो मैं भी वो फील्ड कर लेता हूँ, मेरा दोस्त ये कर रहा है इंजीनियरिंग का तो मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, मेरा दोस्त इस फील्ड में जा रहा है डॉक्टर कर रहा है तो डॉक्टर बन जाता हूँ, ऐसे कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर बाद में फंस जाओगे, ओके? सो अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप उसके बारे में सोच सकते हो, सो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, ओके? सो ये हो गया एरोस्पेस, अगर एविएशन फील्ड के बारे में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फील्ड के बारे में, तो 4 ऑप्शन तो आपको बेस्ट करियर ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, और लास्ट जो है 5th ऑप्शन, वो भी आजकल बहुत ट्रेंड में है दोस्तों, बहुत ट्रेंड में है, बहुत सारे बच्चे जो है जिनको टेक्निकल फील्ड्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है जिनका, और वो हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए वो बेस्ट ऑप्शन बनता है, मैं आपको कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। और 5वीं फील्ड जो है, आखिरी फील्ड जो है दोस्तों, वो है एनिमेशन फील्ड। यस, अगर आपका टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपको आर्टिस्ट फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप एनिमेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एनिमेशन फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। तो एनिमेशन के आपको सबको पता है VFX, ओके? अभी आजकल की जो मूवीज आ रही है, ओके, हॉलीवुड की ले लो, बॉलीवुड की ले लो, उसमें VFX का बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। हम तो कह लेंगे टोटल मूवीज जो है अभी VFX पे डिपेंड, सारा बहुत सारा VFX उसमें डाला जाता है, क्योंकि वही लोगों को भी पसंद आ रहा है, ओके? जैसे कि सुपर पावर्स मूवीज होगी, अभी आपने क्रिश तो देखा ही होगा, क्रिश में कितने सारे VFX का इस्तेमाल किया गया है, ओके? वो अलग अलग छलांग लगाते हैं एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, ये सारा VFX है, ओके? सो ये VFX एनिमेशन में सब किया जाता है, सुपर पावर्स दिखाई जाती है, ओके? सो अलग अलग कार्टून्स मूवी है दोस्तों, कुंकू पांडा वगैरह जो भी है कार्टून्स मूवी, वो कैसे बनते हैं, वो एनिमेशन फील्ड में बनते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट होगा, जैसे कार्टून्स मूवी में इंटरेस्ट होगा, कार्टून्स मूवी बनाने में भी इंटरेस्ट होगा, ओके? VFX में आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप ये फील्ड चूज कर सकते हो दोस्तों,
दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, एनिमेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके सो इसके लिए अभी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है एक्चुअली उसमें 50% मार्क्स होने आपके होने चाहिए 12th साइंस में। ओके अभी एक बात इसमें है 12th साइंस भी अप्लाई कर सकते हो, 12th साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरे फील्ड के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12 कॉमर्स वगैरह आर्ट्स वगैरह, लेकिन उनका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए। सो 50% मार्क्स तो आपको 12th में 50% इज कंपलसरी। सो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके सो उसमें क्या है, आप बीएससी एनिमेशन कर सकते हो। ओके बीएससी इन एनिमेशन गेमिंग कर सकते हो, अगर आपका गेम में इंटरेस्ट होगा, गेम खेलने में इंटरेस्ट होगा, गेम बनाने में इंटरेस्ट होगा, तो ये दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके गेमिंग में आप करियर अपना बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है आजकल आप देखोगे एनिमेशन में जो अच्छे से गेम्स बनाते हैं। ओके अभी अभी तो पता है लोगों को गेम्स कितने पसंद आते हैं खेलने के लिए, तो अगर आप गेम्स बनाना चाहते हो इन फ्यूचर, आप गेम्स में करियर करना चाहते हो, तो एनिमेशन बेस्ट फिट। आपको फिर कोई टेक्निकल फील्ड में अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका इंटरेस्ट अगर इस फील्ड में है, कुछ आप कलाकारी करना चाहते हो अच्छी अच्छी, तो एनिमेशन इज द बेस्ट फिट। सो आप 3 साल का कोर्स कर सकते हो इसमें एनिमेशन में। ओके 12th कंप्लीट करने के बाद में। ओके सो और 3D एनिमेटर, एज अ 3D एनिमेटर आप काम कर सकते हो। ओके और बता दूं आपको आज की सिचुएशन ऐसी है, मार्केट में बहुत स्कोप है इस फील्ड को, अभी एनिमेशन फील्ड को बहुत सारे, आपको पता है कितनी सारी बॉलीवुड मूवीज आती है। ओके हॉलीवुड मूवीज आती है, ऐसे बहुत सारे एनिमेटर्स है जो हॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग मूवीज में काम कर रहे हैं। ओके सो आप बॉलीवुड में भी अप्लाई कर सकते हो, बॉलीवुड में भी अपना करियर बना सकते हो VFX में, और हॉलीवुड में भी अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा अच्छा एनिमेशन में, तो आप हॉलीवुड में भी अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। सो आपका बस डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आप क्या क्या सीखते हो, कैसे इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। ओके सो एनिमेशन इज बेस्ट फील्ड। और सैलरी की अगर बात कर ले दोस्तों, ओके तो सैलरी इसमें भी आपको स्टार्टिंग में 20,000 to 25,000 का सैलरी मिलता है जब तक आप सीखते नहीं हो। ओके सो एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, तो आप 50,000 to 60,000 पर मंथ की सैलरी इसमें पा सकते हो, और अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद में तो दैट इज आल्सो लिमिटलेस। अगर आप बड़ी मूवीज पे काम कर रहे हो कोई, तो आप सैलरी भी अच्छी होगी। ओके सो लैक्स में दोस्तों कमाते हो बच्चे एनिमेशन में। ओके सो दिस इज आल्सो बेस्ट करियर ऑप्शन एनिमेशन। ओके सो अभी कौन कौन से कॉलेजेस है समझो, अभी मुंबई तो हमको पता है बॉलीवुड जो है वो मुंबई में होता है टोटल बॉलीवुड। ओके सो आप मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी आल्सो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ कोर्स, एनिमेशन का कोर्स प्रोवाइड करती है। ओके तो वहां से कोर्स करने के बाद में आप डायरेक्टली बॉलीवुड के किसी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, किसी मूवी या कोई स्टूडियो हो गया ओके जिसमें आपको ये एनिमेशन का जॉब मिल सकता है, एज ए 3D एनिमेटर हो गया, गेमिंग हो गया, ओके जो भी VFX फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। सो मुंबई यूनिवर्सिटी से हो गया, फिर IIT मुंबई आल्सो प्रोवाइडिंग द एनिमेशन कोर्स। ओके सो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, IIT मुंबई आल्सो प्रोवाइडिंग, दे विल टेक सम काइंड ऑफ CETs वगैरह जो भी होगी वो आपको करनी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बोल दिया आपको 50% रिक्वायर्ड। ओके सो IIT मुंबई हो गया, देन मुंबई में माया अकेडमी दोस्तों, मैक उसको बोलते हैं। ओके तो सिनेमेटिक्स अकेडमी है वो, माया अकेडमी में आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त है, ओके कलीग्स है जिन्होंने एनिमेशन फील्ड में अपना करियर बनाया है, और अभी अच्छा खासा सैलरी उनको मिल रहा है, हाई सैलरी मिल रहा है दोस्तों। सो दिस इज द हाई सैलरी जॉब। ओके आपको बता दोस्तों, एंड फाइनली टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट पे बात करना चाहती है दोस्तों। ओके कोई दोस्त कर रहा है और आप कर रहे हो तो ऐसा मत करना। ओके अगर सच में आपको आर्टिस्ट में इंटरेस्ट है, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एकदम गेमिंग में अपना करियर बनना चाहते हो, तो एनिमेशन फील्ड इज बेस्ट ऑप्शन। ओके तो आप ज्यादा सोचिए मत, बस आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, आप थोड़ा अभी 12th कंप्लीट करने वाले थोड़ा सा बैठिए माता पिता के बात में, थोड़ा सा बात करिए उनके साथ में, बैठिए उनसे बोलिए कि मुझे मैं ये करना चाहता हूँ, या आपको जो भी इंजीनियरिंग में फील्ड में इंटरेस्ट होगा आपका, या कोई भी एनिमेशन फील्ड में इंटरेस्ट होगा, जो भी फील्ड हो जाए उस फील्ड के बारे में बात कीजिए, सोचिए जरा, सर्च कीजिए गूगल पे, सर्च कीजिए कौन कौन सी कॉलेजेस है, स्कोप क्या है, करियर स्कोप क्या है, क्या कैसी सैलरी मिलती है दोस्तों। ओके सो ये सब बातें सोच विचार करके आप अपने करियर के बारे में, मतलब करियर चूज कर सकते हो दोस्तों। इसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं मराठी बोलते घाई करने की गरज नहीं। ओके तो आप थोड़ा सा सोचिए समझिए, ओके थोड़ा सा सर्च करिए, दोस्तों के साथ में बात करिए क्या है कैसा है। तो मैंने तो आपको इस वीडियो में ऐसी 5 ऐसी हाई सैलरी जॉब फील्ड्स बता दी जिसमें आप अपना करियर एकदम करियर के बारे में सोच सकते हो और आगे बहुत ग्रोथ कर सकते हो। ओके और एक फील्ड है, मैंने एक पिछला वीडियो बना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, अगर आप उसको भी अगर रोबोटिक्स में वगैरह करियर बनाना चाहते हो तो आप उस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो जाइए देखिए वीडियो, देखिए आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा करियर उसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम क्रोस में कैसे सैलरी हम पा सकते हैं। ओके सो दैट इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन। सो मैंने ऐसी 5 फील्ड्स अभी कंप्लीट कर लिए। ओके तो फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, और आपको जो भी कमेंट्स है दोस्तों प्लीज कमेंट्स करना मत भूलना, और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके सो ये हो गया दोस्तों आपके करियर ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए एक अच्छा वीडियो मैं लेके आऊंगा ओके करियर के बारे में जो भी है और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ भी शेयर करूंगा। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके सो आज के लिए बाय बाय।